हेलो गाइस, वेलकम अगेन टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। इससे पहले मैंने 100+ वीडियो बनाए हैं, तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें। आज का हमारा टॉपिक है, ये साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का पार्ट रहेगा। इससे पहले मैंने साइंस के 5 से 6 और वीडियो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका उनको लिंक मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो पहले ज़रूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रुधिर को थक्का जमने ब्लड क्लॉट में सहायक होता है तो प्लेटलेट्स होते हैं। ब्लड क्लॉट में सहायक क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है तो वो क्या कहलाती है? फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन की जो उसको क्या कहते हैं, स्टडी को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, जीवित श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है, जब सबसे ज़्यादा जब श्वसन सांस के दौरान हम नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा लेते हैं। आगे देखिए, जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो साइकस है वो जीवित जीवाश्म होता है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो मिनी माता रोग है वो जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। मानव त्वचा जो मानव की स्किन है उसका अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। तो मानव त्वचा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? जो कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान है, उसकी स्टडी है कीड़ों की, उसको क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? एंटोमोलॉजी बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। आगे देखिए, पित्त बाइल किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो लीवर के द्वारा है वो पित्त पैदा किया जाता है। दूध को पचाने वाला एंजाइम मिल्क एंजाइम कौन सा होता है? रेनिन। तो कौन सा एंजाइम होता है? रेनिन। शरीर में गुणसूत्रों को जो क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 46 क्रोमोसोम होते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग तो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो क्या होता है? त्वचा। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो सबसे बड़ी कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र है। शरीर में अमीनो अम्ल जो अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है? 22। अमीनो एसिड की संख्या 22 होती है। शरीर में प्रतिदिन जो यूरिन है बनता है वो 1.5 लीटर बनता है। जो मूत्र है उसमें दुर्गंध आती है, दुर्गंध देता है, तो उसका क्या कारण है? यूरिया के कारण। किसके कारण देता है दुर्गंध? यूरिया के कारण। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान, तो देखिए जो मानव मूत्र है जो यूरिन है वो एसिड होता है, उसमें अम्लीय होता है, तो उसका जो पीएच मान है वो कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का जो सामान्य है, सामान्य टेम्परेचर है वो कितना होता है? 98.6 डिग्री फारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, या 310 केल्विन बोल सकते हैं। इनमें से कोई भी आ सकता है आपको ऑप्शन में, तीनों में से। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो वो कहाँ होती है टीबिया नामक हड्डी? तो टीबिया नामक हड्डी है वो मानव के पैर में पाई जाती है, टीबिया नामक हड्डी। मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है, तो मानव शरीर में है वो जल की मात्रा है वो 65 से 80% के बीच में होती है। काफ़ी बार क्वेश्चन में है आपको 70% मिलेगा, तो वो भी राइट होगा। रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का होता है, तो जो हमारा ब्लड है उसकी मात्रा, जो हमारा वेट है, जितना भी वेट है, तो उसका कितना प्रतिशत मिलेगा आपको? 7% जो हमारे बॉडी के जो भार है हमारा, उसका ब्लड की मात्रा मिलेगी। मनुष्य में जो ब्लड की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है वो हमारे बॉडी में सर्कुलेशन होता रहता है उसका। मानव रक्त जो ह्यूमन ब्लड अक्षारीय होता है, कैसा होता है? बेस होता है, तो 7.4 है उसका पीएच मान होता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो ब्लड को है वो शुद्ध कौन करता है? किडनी के द्वारा है जो ब्लड शुद्ध होता है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी कहा जाता है पुरुषों की नसबंदी को। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो आपको पता ही है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। किसको अंतस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? तो थायरोक्सिन को है वो अंतस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है।
आगे देखिए, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन फाइट टू फाइट कहलाता है? तो एड्रिनल, जो एड्रिनल नेलिन होता है, एड्रीनेलिन जो हार्मोन होता है उसको फाइट टू फाइट हार्मोन कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित के लिए सहायक है? तो अग्नाशय, एड्रिनल है, अग्नाशय है वो इंसुलिन को स्रावित करने के लिए सहायक है। जो आई डोनेट में जो नेत्रदान है उसमें आँखों का कौन सा भाग, जो हम ब्लड जब हम नेत्रदान करते हैं तो उसका कौन सा पार्ट है जो लिया जाता है? कॉर्निया। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आयरिस के द्वारा है, इस पर नियंत्रण किया जाता है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन, ह्यूमन बॉडी फ्यूल का कार्य करता है? ईंधन का कार्य कार्बोहाइड्रेट करता है। कार्बोहाइड्रेट हमें चावल से, रोटी से, इनसे ज़्यादा मिलता है, मतलब अनाज से ज़्यादा मिलता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो जो कैप्सूल होता है उसके बाहर के जो उसके पार्ट है, स्ट्रक्चर होता है, वो स्टार्च का बना होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन ए होता है, विटामिन ए में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। पीत बाइल स्रावित किससे होता है? लीवर से। जो पीत है हमारा वो किससे स्रावित होता है? लीवर से, यकृत से बोल सकते हैं। विटामिन ए संचित होता है, तो विटामिन ए वो किस में? लीवर में संचित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए, लार्जेस्ट ग्लैंड बताइए, तो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो लीवर है हमारा। सबसे छोटी स्मॉल ग्लैंड मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथ, स्मॉल ग्लैंड होती है सबसे छोटी, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। मनुष्य में जो पसलियाँ हैं, राइब्स होती हैं, उनकी संख्या कितनी है? 12 जोड़ी हैं। शरीर में हड्डियाँ बोन्स की कुल संख्या कितनी है? 206 होती हैं शरीर में टोटल हड्डियाँ। शरीर में मांसपेशियाँ मसल्स की कुल संख्या 639 माना गया है। लार सेल, जो सेल्विया में पाया जाने वाला एंजाइम, जो लार में एंजाइम होता है ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसमें टाइलिन होता है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो पुरुष क्रोमोसोम से, मेंस क्रोमोसोम से निर्धारण होता है। मनुष्य का हृदय जो ह्यूमन हार्ट होता है वो कितने कोष्ठीय होता है? इसको 4 कोष्ठीय, जो मनुष्य का हृदय होता है कितने कोष्ठीय होता है? 4 कोष्ठीय। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।